हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हेयर केयर के बारे में होगा। मैं अपने हेयर केयर के लिए कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं देने वाली हूँ। और मैं क्या क्या अपने हेयर के लिए इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आती है हेयर ऑयलिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पे बजाज 100% प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो इमामी है, आलमंड का ऑयल है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। दोनों ऑयलों को मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं अप्लाई करती हूँ। कभी कभी हॉट ऑयल भी करती हूँ और कभी कभी ये इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे बोरो प्लस का एलोवेरा जेल ली हूँ। तो जेल मैं अप्लाई करती हूँ, ऑयलिंग के बाद मसाज हो जाती है तब मैं एलोवेरा जेल अपनी स्कैल्प पे अप्लाई कर लेती हूँ, लेंथ में भी अप्लाई करती हूँ। ये डीपली क्लीन करता है अपने स्कैल्प को। डैंड्रफ की परेशानी है तो वो भी क्लीन कर देगा डैंड्रफ को भी। तो मैं ये हर रोज़ यूज़ करती हूँ, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तब मैं यूज़ कर लेती हूँ उसको। तो ये वाला एलोवेरा जेल मैं अप्लाई करती हूँ। फिर गाइस, ये वाला शैम्पू की मैं बारे में बात कर रही हूँ, लॉरियल एक्सटेंसो पेरिस प्रोफेशनल वाला शैम्पू। ये मैंने यूज़ किया था लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। इसमें फालतू का मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन ये शैम्पू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे बालों को सूट भी नहीं किया, बहुत टूटते हैं मेरे बाल। लेकिन आपको केराटिन या स्मूदनिंग कराने के बाद यही शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए हेयर मास्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लॉरियल पेरिस प्रोफेशनल एक्सटेंसो केयर मास्क है, ये बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू मैं अच्छा देना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, अपने बालों को फ्रीजी नेस को दूर करता है, बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। नेचर उसकी स्मेल मुझे बहुत गंदी लगती है, बट ये मास्क बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैं 15 दिन में एक बार इसको यूज़ करती हूँ मैं, तो ये वाला मास्क मुझे अच्छा लगा इसका। शैम्पू में डव नेचुरल सॉल्यूशन यूज़ कर रही हूँ। डेली शाइन वाला शैम्पू है, फॉर डल हेयर को रिपेयर करता है, नॉरिशिंग देता है, हेयर को बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, प्रोवाइड करता है, उसमें बहुत अच्छा शाइनिंग भी देता है। तो ये वाला शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ डव का, जो बहुत ही अच्छा है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है शैम्पू की। बाद में कंडीशनर की बात करूं तो ट्रेस्मे का मैं कंडीशनर यूज़ करती हूं। मुझे इसका कंडीशनर की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। ये स्मूथ एंड शाइनिंग करता है बालों को और विटामिन एच इसमें दिया गया है, सिल्क प्रोटीन भी देता है बालों में, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी फ्रेग्रेंस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, शैम्पू और कंडीशनर के बाद आता है हेयर सीरम। तो मैं हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ, लेवॉन एंटी फ्रीज सीरम, फॉर ऑल हेयर टाइप के लिए है और बहुत ही अच्छा स्मूथ एंड शाइनी बनाता है, बालों को रिपेयर भी करता है। दो सो सीरम में यही अप्लाई करती हूँ। तो गाइस, ये है मेरा सिंपल से हेयर केयर जो प्रोडक्ट, जो मैं ऑनेस्ट रिव्यू में आप लोगों के पास शेयर किए हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय गाइस, टेक केयर। Thank you so much.